नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बहराइच में आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता वाहन को डीएम शंभू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर आशा बहु और आंगनबाड़ी गांव-गांव घर जाकर दस्तक अभियान चलाएंगी। यह अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। डीएम साहब, अभी आपने कुछ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ये कैसे वाहन हो, क्या ये जागरूक करेंगे लोगों को? आज से जनपद बहराइच में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है और ये 1 मार्च से 31 मार्च तक चलता रहेगा। और इसमें उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, विशेषकर इंसेफ्लाइटिस, इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो सके। इसमें आशा, आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाएं, ये सभी लोग हर गांव में, हर घर तक पहुँचेंगी, इसके संबंध में जागरूकता करेंगी, दस्तक अभियान चलाएंगी। और किसी तरह की कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल रेफर करेंगी, आवश्यक सलाह देंगी। और अन्य विभाग जो हैं, जैसे पंचायती राज विभाग विशेष सफाई अभियान चलाएगा, मच्छरों को दूर करने के लिए फॉगिंग, नालियों की साफ़ सफाई, पशुपालन विभाग सुअरों पर नियंत्रण, इस तरह के हर विभागों के कोऑर्डिनेशन से, 11 विभाग कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे और पूरे माह संचारी रोग के नियंत्रण के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। और कोशिश ये है कि जनपद में किसी तरह की कोई संचारी रोग का कोई प्रतिकूल स्थिति ना उत्पन्न हो और इंसेफ्लाइटिस पूरी तरीके से जनपद बहराइच में समाप्त हो जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।